साथ 4 नवंबर होती है, मेरा बर्थडे होता है, कौन सा ये वाली बात जाने नहीं, बस इतनी बात है मैं कि अल्लाह ताला सबको ज़्यादा से ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका दे। देखिए बर्थडे हो रही होती है तो हमारी ज़िंदगी का एक साल भी कम हो रहा होता है, हम ये लोग नहीं सोचते। बर्थडे ज़रूर मनाएं, मैं भी मनाता हूँ, बड़े शौक से मनाता हूँ, लेकिन साथ साथ इस बात के लिए भी तैयार रहें कि हमें आखिरत में अल्लाह को जवाब दें। मुसलमान है ये मत भूलें, और मुसलमान की अखलाकी जिम्मेदारी है। हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कलमा पढ़ते हुए काम भी उल्टे कर रहे होते हैं, ये बहुत गलत है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जब वाकई कलमा पढ़ रहे हैं तो फिर हमारे काम कैसे होने चाहिए। कुछ मैसेजेस बॉयज़ के लिए और कुछ मैसेजेस गर्ल्स के लिए दोनों के लिए मैं आज बता रहा हूँ। पहले बॉयज़ को कह दो, गर्ल्स की यार रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जब आपकी वो क्लासमेट्स होती हैं, मदर होती हैं, सिस्टर होती हैं, तब तो क्या, अब इंडस्ट्री में मिलते हो, आपकी कोलीग्स होती हैं, एक तमीज़ के दायरे में रह जाता है। लेडीज़ अगर पहले आगे बढ़ रही हैं तो बढ़ने दें यार, अल्लाह ने उनको इतनी ताकत नहीं दी जितनी मेल को, ठीक है। इस बात पर लड़कियाँ बुरा ना मनाए, जाता है अदल के मामले में भी मर्द ज़्यादा आगे होता है, ठीक है, मगर हम मर्दों में एक फितरी चीज़ होती है, वो कमी ना पाए, वो बाज़ों का हम लोग करते हैं। औरत में अकल की कमी और मर्द में कमी ना पाए, ये दोनों एक बातें हैं जो रियल फैक्ट्स हैं, इनको लोग तस्लीम नहीं करते। बट इशू क्या होता है बॉयज़ के साथ, किसी लड़की के हवाले से कोई बात किसी ने कह दी, अच्छा यार ये वाकई ऐसी हो गई, आगे 10 को नमक मिर्च लगा के बहुत गलत है। कल कल को यही आपकी मदर के साथ भी हो सकता है, बहन के साथ भी हो सकता है, बेटी के साथ भी हो सकता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का कौल है कि अगर आप किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, और ये कल कल को आपकी बेटी के साथ भी होगा। होता है बॉयज़ का बाज़ अवकात कहीं, देखिए आई एम नॉट कंजर्वेटिव बट अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। हमारे माशरे में बहुत सारी बातों को लोग गलत समझते हैं जबकि वो गलत नहीं होती। हमारे मोहल्ले में एक अंकल रहते थे, एक आंटी रहती थी, दोनों सी क्रॉस कर चुके थे, पता चला दोनों स्टूडेंट लाइन में एक दूसरे को लाइक भी करते थे। अब दोनों बड़े चिड़चिड़े, अंकल रंड रहे थे, आंटी भी बिलवा थे, ठीक है, मोहल्ले वालों का जीना हराम किया हुआ था, अपना किसी को बॉल देते थे, डंडा लेके मारने पहुँच जाते थे, और उन दोनों की शादी कराने का काम सौंपा था मैंने। उसके बाद से मोहल्ले वाले इतने खुश हो गए, लोग कुछ अरे अब इस उम्र में कर रहे हैं यार, क्यों नहीं, इस्लामी काम कर रहे ना, कोई गलत नहीं। और बॉयज़ हजरात कभी किसी लड़की को पसंद करते हैं, शादी नहीं हो पाती उससे, और तुम उसको बताओ हमने रिजेक्ट कर दिया, नहीं इस्लामी और अखलाकी लिहाज से बताओ, ठीक है यार आप उसे अलविदा कर दें अच्छे तरीके से, इवन उसकी शादी में बड़े पॉजिटिव तरीके से शरीक हो, दुआओं में रख सकते हैं। अगर आप वाकई सच्चे थे तो हो सकता है कभी आपकी उसी से हो जाए, उसकी मैरिशल लाइफ कामयाब ना हो, आपकी ना हो, लेकिन किसी के लिए नेगेटिव बात करना। गर्ल्स का क्या मसला होता है, गर्ल्स का मसला ये होता है अक्सर अगर वो जिद में बहुत आ जाती है, अब्बा की कोई बात उनको बुरी लग गई, भाई की बात बुरी लग गई, अब देखें आपकी हिफाजत करने वाला आपका बाप होता है, आपका भाई, हस्बैंड की कोई छोटी सी बात बुरी लगी अपनी सहेलियों के भड़काने में आ गई, कुछ ही हमारे एनजीओ वाले डिवोर्स आंटीज होती हैं जिनका बस चले पूरे माशरे को डिवोर्स करवा दें। मैं एडवोकेट भी हूँ, इतने आजकल शादियाँ नहीं होती जितने डिवोर्स हो जाते हैं। इशू क्या होता है लड़कियों के, मर्द में लाम कमीनापन हो, अपनी बीवी को धोखा भी दे रहा हो लेकिन कभी बीवी को छोड़ना नहीं चाह रहा होगा, और तो जब मैं आगे छोटी सी बात में एक ऐसी भी डिवोर्स हुई है कि पता चला वो साहब जो थे बैलेंस जलवाना भूल गए, खातून पहुँच गई किसी लेडी एडवोकेट के पास जो फीमेल की एनजीओ की लीडर थी, हकों के ने कह रही देखो आज दवा लाना बोला है कल तो मर रही होगी तुम्हारे लिए, आज मोबाइल में बैलेंस लगाना बोला है तो मर रही होगी, दवा लाना भूल जाएगा, ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। लॉ फीमेल के हक में इतना हो गया कि 3 दफ़ा अगर फीमेल विजिट करेगी डिवोर्स भी हो जाएगी, अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बड़ी लानत है, ठीक है। इस्लाम में जायज़ है, मेल को शरीयत तब याद आती है जब 4 शादियाँ हो, 2 शादियाँ, अब वो कब शरीय है उसके भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो भाई बर्थडे के मौके पे मैंने कुछ ज़्यादा अखलाकी दर्ज दिया है और उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह अच्छी।